अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा आज हम आए करतारपुरा फूड स्ट्रीट और शहरी का टाइम है और आज हम आए अकबर जी सीरी पहिए वाला। माशाल्लाह बहुत रौनक है करतारपुरा फूड स्ट्रीट में। ये अकबर जी है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो चाचा? ठीक ठाक। चाचा जी ये जो छोटे पाई है इसका एक प्लेट कितने का है? 500 का है, 700 का है, 1000 रुपए का है। स्पेशल ब्रेड जो है वो 1000 रुपए का है। अच्छा जी, इनका जो स्पेशल ब्रेड है छोटे पाई का वो 1000 रुपए का है। ये अकबर जी सीरी पाया और करतारपुरा में माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है और बहुत मशहूर है। और ये बड़े पाए, चाचा जी ये जो बड़े पाए इसका एक प्लेट कितने का है? ये भी यही रेट है, सेम सेम रेट है ना। अच्छा अच्छा, ये इनका दूसरा डिश है। ये भाई जान अस्सलाम वालेकुम, ये क्या चीज़ है? ये भाई चिकन चने, अंडा चने, कोफ्ता चने, सादे चने। अच्छा ये प्लेट कितने का है? कोई वाले चने सादे 300 भी हैं, अंडा और कोफ्ता डाल के 400 भी हैं। अच्छा ये चिकन वाला 30 डाले के लार के भी हैं, इसके साथ अंडा कोफ्ता डालेंगे भी लार के जगह निकालेंगे तो 800 भी है। अच्छा ये जो चिकन का है एक प्लेट कितने का है इसका? ये 800 का है। 800 का है, इसके साथ जब अंडा और कोफ्ता डालेंगे फिर लार का बन जाएगा। अच्छा जी न्यारी है, ये न्यारी है स्पेशल। स्पेशल प्लेट कितने का है? 1000 रुपए का है। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्मेल जा रहा है इसका। यह माहौल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और जमील आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा फील कर रहे हो? जब फैजान को बुलाए मेरा भतीजा है, ये जमील जो है हमारा कजन है और ये करतारपुरा है फूड स्ट्रीट और माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ है, जाने का रास्ता ही नहीं है, बहुत रश लगा हुआ है और शहरी का टाइम है। अच्छा जी ये दूसरा है मुबशर जी के नाम से, इनका अभी ये पाए बड़े पाए और छोटे पाए चने। भाईजान ये इसका एक प्लेट कितने का है? इसका एक प्लेट कितने का है? 500 रुपए का, 800 रुपए का। और ये इसका एक प्लेट कितने का है? 1000 रुपए का है। अच्छा और ये 300 रुपए का प्याला है। ये इनका शॉप है। तावा चिकन पीस भाईजान ये कितने का एक पीस? 600 रुपए का एक पीस है। अच्छा ये आप लोग रमजान के बाद लगाओगे? रमजान के बाद नहीं होता, गोरी टाउन में होता है। वहाँ कहाँ पे? गोरी टाउन में, टांगा चौक में। एक बना लो नस्ती वाले। हर तरफ
लोग बैठे हुए अपना शेयर ही कर रहे हैं। क्या है भाई, ठीक हो? ये काला खान निहारी है, ये भी बहुत मशहूर है, काला खान निहारी वाला। यार इसमें नींबू डाल देना भाई, नींबू डाल दे उसमें, डाल दिया उसमें, फिर डाल के डाल दिया। ये काला खान का जो नान है, यह लग रहा है क्योंकि इनका बहुत बड़ा काम है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे लोग काला खान का निहारी इंजॉय कर रहे हैं। भजन क्या ले? ये काला खान का स्टाल है ना, ये एक नान कितने का? 30 रुपए। 30 रुपए का? और ये ईद के बाद फिर होगा? ईद के बाद आगे हमारी शॉप है, अब्दुल्ला नान सेंटर आगे। अच्छा, उधर होगा जी, उधर होगा। आज आखिरी शेर है ना? आज आखिरी शेर, आज आखिरी शेर ही है। ये एक और शॉप है हाफिज स्पेशल, कोई चलने वाला, और इन पे भी बहुत रश लगा हुआ है, इनका बहुत अच्छा शहर चना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई जान, ये क्या चीज़ है? कोई वाले चने, इसका एक प्लेट कितने का है? एक प्लेट 300 का। 300 का है, बाकी इसमें अंडा है, चिकन है, गोश्त है, वो भी। अच्छा, और ये रमजान के बाद होता है? साल के 12 महीने होता है। और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा अंडा चने, चिकन चने, कोफ्ता चने, मटर चने, छोटे पाए, बड़े पाए, नली पाए, अंडा चने, और निहारी होती है, बीफ निहारी है हमारे पास, बोंग निहारी है, नली निहारी है। अच्छा, आपका शॉप किस नाम से है? हमारा हाफिज फूड के नाम से हमारा शॉप है, ये ऊपर नाम लिखा हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्मेल जा रहा है इसका। आपका और कोई ब्रांच है? जी, कोई और ब्रांच नहीं है, और एक ही ब्रांच। चलो, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये रश आप देख सकते हैं, बहुत रश लगा हुआ है, देखो जाने का रास्ता ही नहीं है। एक फुल पॉइंट आए जी, अब आ गए 1250 रुपए। ये लाहौर 0 किलोमीटर के नाम से सीरी पाई है, ये भी बहुत मशहूर है, इन पे भी काफ़ी रश लगा हुआ है। ये इनके बड़े सीरी पाई है और वो छोटे सीरी पाई है। चाचू 500 दी नहरी मेरी है। स्केल पे ही ना और आना हो भाई, किधर स्केल पे ही ना, ये मुझे दे देना इसके बाद। छोटे भाई ज्यादा ना करो यार, छोटे भाई नहीं एक और चैनल लाओ उस्ताद जी, छोटे भाई को नहीं लेवे एक और छोटे भाई सखत ले। ये शकील निहारी एंड तावा चिकन का हलवा पूरी है। कितने पार्सल कर बचे और साथ ही
चिकन अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक भाई जान, ये क्या चीज़ है? ये सर चिकन तवा पीस है। चिकन तवा पीस, ये एक पीस कितने का है? ये 600 रुपये का पीस दे रहे हैं, साथ इसके ग्रेवी मसाला होता है। हाँ, ये किस चीज़ में तैयार करते हो? ये पहले बारबेक्यू होता है, उसके बाद ये तवे पे मसाले में तैयार होता है, मसाला होता है, ये दही वाला मसाला होता है, और इसमें मसाले काफ़ी किस्म के होते हैं, वो डाल के यहाँ पे तैयार करते हैं। अच्छा, ये रमज़ान में होता है या सिर्फ? हम धोरी टोन में रेगुलर ही लगाते हैं, चने सुबह के टाइम चने पाए, नहरी हलवा पूड़ी इस चीज़ें लगाते हैं, शाम के टाइम कबाब पीस, नहरी पुलाव वगैरह, दाल अंडा टिक्की, ये सारी चीज़ें शाम को वहाँ पे धोरी टोन में लगाते हैं। और आज आखिरी सहरी है? ये आज यहाँ पे आखिरी सहरी है। यार रमज़ान में ये फ्रूट पीते हैं, यहाँ पे रमज़ान में ही काम होता है, उसके अलावा यहाँ पे इतना काम नहीं होता, तो हमारी वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। गोरी टोन फेस फाइव में डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है, ये स्कीम होरी के नाम से। अच्छा जी, अच्छा फिर इस शॉप पे क्या होता है रमज़ान के बाद? रमज़ान के बाद सारी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बस ये गोल गप्पे वगैरह ये खुद ही वो लगाते हैं जिनकी दुकान है, तो मतलब स्पेशली आप रमज़ान में यहाँ पे आते हो ना? पहले रमज़ान से 28 से 29 रमज़ान तक होता है, उसके अलावा यहाँ पे, उसके अलावा अगर किसी ने खाना है तो आए वो गोरी टोन में आए, वहाँ पे हर चीज़ आप पहले ये लोग खाने यहाँ से तवा पीस खाने, हमारा ये सबसे स्पेशल पीस ये चिकन तवा पीस है जी। ये पहले लोग यहाँ से लाहौर में खाने जाते थे, तो हमने लाहौर से हम आए ये तवा पीस स्पेशली यहाँ पे लेके पिंडी इस्लामाबाद में लोगों से लिए। कटक करो, ये क्या चीज़ है? चिकन है, पूरे शुरे नहीं है। ये क्या चीज़ है ये जो डाल रहे हो? ये मसाला होता है, इसकी रेसिपी यही होती है, दही के अंदर ये मसाले होते हैं, होते ना। अच्छा, ये शेख लस्सी मास्टर है का बहुत अच्छा लस्सी है और बहुत अच्छा टेस्ट है, हमने टेस्ट किया है और इस पर बहुत काफ़ी रश लगा हुआ है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। भाईजान रमजान के बाद आप कहाँ पे होते हो? रमजान के बाद तो वैसे घर पे होते थे, लेकिन इस बार आवाम ने मजबूर कर दिया, दो और ब्रांचें खोलने लगे हैं। रमजान से तकरीबन 10-15 दिन बाद एक ब्रांच हमारी यहाँ पे होगी, जो हमारा हेड ऑफिस होगा, दूसरी ब्रांच इंशाल्लाह लाहौर दाता दरबार के बिल्कुल बाहर होगी, तीसरी ब्रांच हमारी जो होगी वो गुजरांवाला पैरवालों के शहर में होगी। हमारे दिन होंगे जुम्मा और हफ्ता इंशाल्लाह हम लाहौर में होंगे दाता की नगरी में, इतवार वाले दिन हम गुजरांवाला होंगे, और फिर दो दिन हम यहाँ पे होंगे, बाकी दिन हम रेस्ट पे होंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।
और मैं अपने पख्तून भाइयों से भी कहूँगा, अगर वो चाहते हैं तो उनको भी शेख लस्सी की जरूरत है, लाहौर घंटा घर में, याताबाद में, यश नगरी में, गंज में, यकूत में, गुलबार में, जहाँ जहाँ वो चाहे अपनी वीडियोस बनाए, टैग करें, इंशाल्लाह आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लस्सी है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत लजीज है। हमार लस्सी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जमील आपको कैसा लगा? मजे का है। लस्सी कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मीठा है ना? अच्छा जी, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और व्लॉग को आप एंड कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग में मजा आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह में सपोर्ट करते रहना, और इंशाल्लाह आपके लिए हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।